हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप या सब लोग बढ़िया ही होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूं ओप्पो F11 प्रो के बारे में, जो कि बहुत लोग सोच रहे होंगे ओप्पो F11 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ होते हैं जो सिर्फ सिंगल ब्रांड के लवर होते हैं। तो ओप्पो लवर्स के लिए आज मैं एक अलग वीडियो लेकर के आया हूँ, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे और कुछ जानने को मिले। यार सबसे पहली बात तो ये कि जो भी लोग नए चैनल पे मतलब मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, नए विजिट कर रहे हो, वो लोग आ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस डालता रहता हूँ ऐसी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी आपको। यार वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज तभी जान पाओगे कि ओप्पो F11 प्रो आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार सबसे पहले जानते हैं कि स्पेसिफिकेशन कैसी है इस फ़ोन की, तभी पता लग पाएगा कि हमें ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है ये फ़ोन कि नहीं करता है। तो यार सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो हमें इसमें जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि फुल स्क्रीन देखने को मिलेगी आपको। कोई नॉच, कोई कटआउट, कोई भी आपको पंच होल डिस्प्ले वाला डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा दे रखा है, वो भी 16 मेगापिक्सल का। फिर से पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा, आखिर वीवो और ओप्पो हस्बैंड वाइफ हैं या भाई बहन है जो भी हैं, तो अपना मतलब सेम अपना फॉलो करते हैं, जो भी वो बनाता है तो वो ये भी बना देते हैं। तो यार इसमें पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा देखने को मिल जाता है आपको 16 मेगापिक्सल का। अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो हमें डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। अगर 48 मेगापिक्सल की बात करें तो f1.8 एपर्चर पर काम करता है, और जो बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल का है वो f2.2 एपर्चर पे काम करता है, सॉरी यार f2.4 एपर्चर पे काम करता है। और अगर हम बात करें 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा की, तो वो जो है ना वो सैमसंग का GM1 सेंसर लगा हुआ है उसमें, और ये फिर से पिक्सल बाइनिंग वाला मदद से इमेज क्रिएट करता है, और पिक्सल बाइनिंग की मदद से आपको 48 मेगापिक्सल वाले पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि रेडमी का नोट 7 में आपको देखने को मिलती है चाइना वाले वेरिएंट में, इंडियन वाले वेरिएंट में नहीं, चाइना वाले वेरिएंट में। और वही पिक्सल बाइनिंग की मदद से के हेल्प से आपको ये 48 मेगापिक्सल वाली पिक्स देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्टोरेज की, तो हमें 6 GB रैम के साथ 64 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और प्लस 128 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है 6 GB रैम के ही साथ। ये दोनों वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे इस फ़ोन के लिए। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको इसमें कलर OS 6 देखने को मिल जाता है, जो कि काम करता है Android 9 के साथ में, मतलब Android Pie के साथ में। और आपको इसमें SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, आप सिर्फ हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रखा है, तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या फिर दोनों सिम कार्ड लगा सकते हो। यार अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो आपको इसमें डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो कि ट्रिपल ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है बैक पे, जो कि यूनिक सा लगता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इन हैंड फील भी आपको प्रीमियम देगा, काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें, तो आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इसी फ़ोन में, जो कि वो 3.0 को सपोर्ट करती है, तो आपको 20 मिनट में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। वही अब 100% चार्ज हो जाएगा ये तो नहीं पता है, फ़ोन हाथ में होता तो मैं टेस्टिंग ज़रूर करके दिखाता, बट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चार्ज हो पाएगा आपका फ़ोन। और डिब्बे में ही आपको 20 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो वूक चार्ज का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम प्रोसेसर की बात करें, तो आपको प्रोसेसर इसमें हीलियो का P70 देखने को मिल जाता है, जो कि Realme 3 में मिलता है, और वो फ़ोन है 9000 रुपये का, और ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है 24,000 रुपीज़ का। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, केवल वो पॉपअप सेल्फी कैमरा लगा करके और डिज़ाइन को थोड़ा सा यूनिक बना करके प्राइस को तो इतना ज़्यादा हाई कर दिया है। सो मेरे हिसाब से ये फ़ोन की प्राइस बिल्कुल भी इस पर जस्टिफाई नहीं होती है। सो मुझे पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फ़ोन काफ़ी बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है देखने में भी और यूज़ करने में भी, आपको प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है फ़ोन को। और दोस्तों अगर हम USB पोर्ट की बात करें, तो आपको इसमें USB पोर्ट जो है वो micro USB वाला देखने को मिल जाता है, आपको USB टाइप सी देखने को नहीं मिलता है, आपको 24,000 के प्राइस पे USB टाइप सी देखने को नहीं मिलता है। अच्छी बात यह है कि 3.5 mm का जैक देखने को मिल रहा है, वो नहीं हटाया इन्होंने,
तो ये आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार इस फ़ोन के बारे में और मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता बिकॉज ये फ़ोन ऑलरेडी जस्टिफाई नहीं करता अपने प्राइस पे, तो मैं कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। यार मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना कि आप लोग क्या ये फ़ोन लेना परचेज़ करोगे। कुछ लोग होते हैं जो ओप्पो के बहुत ज़्यादा फेवर में रहते हैं, और फेवर में मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, बट प्राइस को जस्टिफाई तो करना चाहिए फ़ोन को ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस फ़ोन को परचेज़ करने वाले हो, और परचेज़ करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, आखिर क्या रीज़न है इस फ़ोन को परचेज़ करने का, सिर्फ पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा, बताना मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में। यार वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे सारी बातें लिख डालना। और बस इतना ही था इस वीडियो में, और जा करके मुझे सोशल मीडिया वाले लिंक्स पर भी फॉलो कर लो जो कि नीचे सारे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You're lame for the fame, bro.